नमस्कार मित्रों, सर एक मिनट सर जाइएगा। नमस्कार मित्रों, मित्रों आज टोटल पांच प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद में चर्चा हुई और उसी के साथ साथ पांच पर चर्चा हुई और उसी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कोरोना को लेकर जो एडवाइजरी केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई है उसका अनुपालन शत प्रतिशत रूप से उत्तर प्रदेश में हो ये सुनिश्चित किया जाए और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश वासियों से अपील की है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें कोरोना से घबराए नहीं बल्कि सावधान रहें और लोगों को जागरूक करें लोगों को सावधानियां बरतने की हिदायतें दें सलाह दें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के सभी जो पर्यटक स्थल हैं उनको पर्यटकों के लिए 31 मार्च तक बंद करने के आदेश दिए हैं लेकिन वहां पर पर्यटकों की एंट्री बंद की करने के आदेश हैं लेकिन वहां पर साफ सफाई लगातार होती रहे ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जो स्कूल और कॉलेज हैं जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है बेसिक माध्यमिक और हायर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उन सबको 2 अप्रैल तक बंद करने के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ प्रदेश के सभी सिनेमाघर मल्टीप्लेक्स साथ ही साथ जो अन्य जो प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं वो अभी जो परीक्षाएं चल रही हैं माध्यमिक या उच्च की उनको भी सबको स्थगित किया गया है। तहसील दिवस जनता दर्शन समाधान दिवस इनको भी 2 अप्रैल तक बंद किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलाधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों के अंदर पोस्टर और बैनर लगाकर जागरूकता के अभियान को और तेज किया जाए स्थापित करें और सबसे अपील करें सबका सहयोग लें कि जो महामारी है इससे हम अपने प्रदेश को कैसे बचाएं उसमें सभी का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। हमारे देश में अभी स्टेज 2 में
कोरोना वायरस की स्थिति है और स्टेज थ्री हमारे यहां ना हो, इसके लिए ये अभियान तेज गति से चले, ये अपेक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रकट की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और अहम फैसला लिया है, क्योंकि जिस तरह से ये सभी जो गतिविधियां हैं इन पर रोक लगाई गई है, तो जो गरीब है, जिसको हर दिन वो रोजी रोटी के लिए निकलता है, उसको कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय श्रम मंत्री जी, ये तीन लोगों की एक कमेटी बनाई है, तो गरीबों का भरण पोषण सुनिश्चित हो, उसके लिए ये कमेटी तीन दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत करेगी और उसके आधार पर ये जो सभी हमारे जो गरीब लोग हैं, जो हर दिन कमाते हैं, हर दिन खाते हैं, उनके खाते में आरटीजीएस के माध्यम से कुछ अमाउंट ट्रांसफर हो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी मंशा प्रकट की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश दिए हैं कि प्रदेश के अंदर कहीं पर भी कोरोना से ग्रस्त कोई भी मरीज हॉस्पिटल में है, उनका पूरा इलाज मुफ्त में किया जाएगा, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई सरकारी या गैर सरकारी कार्मिक है तो उनकी तनख्वाह भी उनको लगातार मिलती रहेगी, उसमें कहीं कोई कटौती नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश दिए हैं कि जो प्राइवेट जो फर्म है उनमें जो काम करने वाले लोग हैं वो घर से ही अपना काम करें, और सरकार में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए एक चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, जहां सुविधा है वहां वो लोग अपने घर से ही काम कर सके। प्रदेश में सभी तरह के धरना प्रदर्शन, इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा है और हम सब लोग मिलकर इस महामारी से अपने प्रदेश को बचाएं, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब प्रदेशवासियों से अपील की है। आज के जो मद हैं, मैं माननीय सिद्धार्थ जी से अनुरोध करूंगा कि एब्सोल्युटली मैंने बहुत स्पष्टता से कहा है कि सभी तरह के जो परीक्षाएं चल रही हैं उन सबको स्थगित किया गया है। एक बार माननीय सिद्धार्थ जी अपना जो मत है उन पर बिल्कुल उसी के लिए मद्देनजर कमेटी तो इसलिए बनाई है ना मित्र, तीन दिन में रिपोर्ट आएगी उसकी। कृषि मंत्री, श्रम मंत्री, वित्त मंत्री की अध्यक्षता में बहुत स्पष्टता से माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों तक पहुंचे, ये मंशा स्पष्ट की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान रहे, और सभी विभागों को ये दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं। अभी आप पांच बिंदुओं पर आज कैबिनेट में चर्चा हुई, मैं
सिद्धार्थ जी से निवेदन कराऊंगा कि वो सभी बिंदुओं को रखें। तो पहला बिंदु जो है वो जनपद फतेहपुर में नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु निशुल्क भूमि भारत सरकार के पक्ष में हस्तांतरण किए जाने के संबंध में है। ये जो जमीन है ये ग्राम मधुपुरी परगना तहसील फतेहपुर में है। ये 5.37 एकड़ है, 5.37 एकड़। तो ये केंद्र विद्यालय के लिए निशुल्क जमीन हस्तांतरण की जा रही है। दूसरा जो मत है वो जनपद गोरखपुर में एक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो फोरेंसिक के लिए होता है वो बन रहा है। उसके अंदर जो क्लास बी श्रेणी से उच्चीकृत कर क्लास ए श्रेणी करा जा रहा है कि जो निर्माण कार्य से संबंधित जो द्वितीय पुनरीक्षित परियोजना प्रस्ताव को स्वीकृत के संबंध में ये जो ए श्रेणी करी जा रही है उसके अंदर जो प्रस्ताव में है एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क ग्रेनाइट क्लैडिंग स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग फॉल सीलिंग ये सब जो है इन सब का जो ये जो विशिष्टियां है उसका जो लागत है वो 656.11 लाख है। ये इसके ये अनुमोदन के लिए आया था आई क्योंकि नया आप जोड़ रहे हो तो इतना आ गया तो इसको पुनरीक्षित हुआ। फिर आप लोग ने काफी लोगों ने ये पिक्चर भी देखी होगी तानाजी, तो उसको जो SGST होता है उससे मुक्त किया गया है जिसको टैक्स फ्री एक तरह कहते हैं। और इसका एक जो जियो भी है ये 15 जनवरी को दे दिया गया था। तो जब आपने हॉल में गए थे तो ऐसा नहीं था कि आपने टैक्स दिया होगा, मगर ये 15 जनवरी को इसका जियो जारी किया गया था। अनुमोदन बाद में लिया जा सकता है उस विषय पे, उसको करते हुए ही जियो जारी हुआ था। नहीं आप फिर जो चौथा विषय है वो उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन न्यास, ये इसकी नियमावली इसमें प्रथम संशोधन है 2020 का। इसके अंदर ये पहले से है, कोई नई चीज नहीं है, मगर इस न्यास के का जो कार्य क्षेत्र है वो पर्यावरण स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने का है। इसके अंदर जो पैसा आता है इस न्यास में जो रॉयल्टी होती है उससे अलग ये 10% इस पे लिया जाता है। और इसका जो इसमें जो गाइडलाइंस थी उसमें ये नहीं था, लिखा नहीं था एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल माइंड डेवलपमेंट, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय के अंतर्गत पर्यावरणीय सौहार्द एवं खान विकास हेतु प्रदूषण नियंत्रण के तौर तरीके जो इसके, इसलिए मैंने कहा ये शॉर्ट में इंग्लिश में जो इसमें है एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल माइंड डेवलपमेंट,
इसके अंदर मोटा मोटी ये है कि अभी जो आधुनिक जो इसके अंदर कहीं जो जो आपका ये न्यास के जो नियम जो बने थे इसके अंदर ये उल्लेख नहीं था कि आपका किस प्रकार से आप टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, किस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, वो सब चीजों का विस्तार से उसकी चर्चा करी गई है। मगर एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, सस्टेनेबल माइंड डेवलपमेंट होना चाहिए, इसका उल्लेख किया गया है। जो अगला बिंदु है वो भी उपखनिज से ही है। इसकी जो परिहार जो नियमावली है 2020 उसके अंदर संशोधन है। इसमें अभी तक जो हम लोग देखते हैं जो भवन ओवन बनते हैं या जो निजी घर बनते हैं या जो नॉन कमर्शियल जो जगह बनती है तो उसके अंदर जो खनिज होता है जब काम होता है उसमें खुदाई होती है तो उसका निस्तारण किस तरह से किया जाए उसकी कोई अभी तक नियमावली नहीं बनी थी। तो इसके लिए अब जो जिला मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा इसकी एक रॉयल्टी जो रॉयल्टी है वो फिक्स की जाएगी क्योंकि जो रॉयल्टी है वो हर जगह अलग अलग है तो उसके लिए कोई भी मैं दे नहीं सकता कितनी है रॉयल्टी, वो फिक्स की जाएगी। जिसने वो मिट्टी या जो खरीदना है तो उसके लिए वो आवेदन करेगा जिला अधिकारी के पास और उसके माध्यम से फिर ये एक अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा और कहीं वो एक महीने के अंदर निस्तारण नहीं हो किया जाता है उसके एप्लीकेशन को तो उसने और रॉयल्टी उसने जमा कर दी तो वो एक महीने में माना जाएगा कि वो डीम्ड अप्रूव्ड है उसको माना जाएगा। तो ये पांच विषय थे हमारे जो आज कैबिनेट में आए थे। धन्यवाद। थैंक यू। देखिए जो प्रशासन को जो निर्देश दिया जा रहा है या जिला अधिकारियों को कि वो सबसे बातचीत करते हुए इसे लेकर ना धर्मगुरुओं से बातचीत करते हुए लोगों के बीच में एक अवेयरनेस लेकर आए और इसका अपने आप निस्तारण निकलेगा तो वो सब चीजें बोली जा रही हैं तो उस पे भी काम शुरू हो गया है। सभी तरह के व्यंजन जो परोसेंगे हम उसकी बाद में रहेगा दम। रेस्टोरेंट का हिसाब हुआ पुराना, हम बताएंगे खाने का नया ठिकाना। देखिए फूडिस्तान है हिंदुस्तान सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। महात्मा गांधी ने कहा था देश की सत्ता गांव के गलियारे से होती हुई राजपथ तक जाती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हम न्यू इंडिया के साथ गांव की तकदीर बदलेंगे, किंतु कैसी है हमारे गांव की तकदीर, कितनी बदली इन गांव की तस्वीर, क्या है रिपोर्ट कार्ड गांव की सरकार का, हमारे आपके सरोकार का, आपके तमाम अबूझ सवालों तक, खेत खलियान और चौपालों तक ढूंढेंगे हर सवाल का जवाब, गांव कितने हुए लाजवाब। गांधी के ग्राम स्वराज्य से प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया तक हम परखेंगे विकास के दावों का सच, हम देंगे डगर डगर खबर खबर आशीष मिश्रा के साथ गांव की सरकार पंचायत चुनाव 2020 सिर्फ एबी स्टार पर। जीएसटी रिफॉर्म से लेकर कैशलेस इकोनॉमी तक, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से लेकर अर्थव्यवस्था की बदलती चाल तक, बिजनेस से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मिलेगी आपको यहाँ स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ